बढ़ती महंगाई और पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सपाइयों ने रायबरेली में जमकर प्रदर्शन किया। सपाइयों ने जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। केंद्र एवं राज्य सरकार को घेरते हुए सपाइयों ने जमकर नारेबाजी भी की। हाथों में तख्तियां लिए सपाई सुबह से ही जिला व तहसील मुख्यालय पहुंचना शुरू हो गए थे। जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में अराजकता का माहौल है, महंगाई चरम पर है, पंचायत चुनाव के दौरान जमकर धांधली और गुंडाई हुई है। भाजपा के गुंडे हर जगह पर अपनी गुंडाई दिखाते हुए कैमरों में कैद हुए हैं मीडिया कर्मियों के। उन्होंने कहा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग जुटे हैं। प्रदर्शन के बाद जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम 16 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा वीरेंद्र यादव सपा जिलाध्यक्ष ने। कर रहा है किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार नौजवान आज निराश है, आत्महत्या को मजबूर है और जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में नामांकन नहीं करने दिया गया, बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया, नामांकन पत्र फाड़ दिया गया, इसी दिन सागौरा के ब्लॉक की सुमन यादव का जिस तरह पर्चा फाड़ कर पुलिस की अभिरक्षा में उनके साथ मारपीट की गई, ये शर्मनाक है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के आह्वान पर तहसील पर यह धरना और प्रदर्शन रखा गया था और सरकार को आगाह किया गया है कि ऐसे मनमानी रवैये से वो बाज आए नहीं, समाजवादी पार्टी गरीबों के साथ किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करेगी। अध्यक्ष जी, आज क्या किया जा रहा है, क्या उद्देश्य? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। अभी जो 3 तारीख और 10 तारीख को चुनाव हुए हैं जिला पंचायत अध्यक्षों के और ब्लॉक प्रमुखों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बड़ी धांधली की है, लोकतंत्र का गला घोटा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। दूर की बात नहीं, मैं रायबरेली की बात कह रहा हूँ। दीन सागौरा ब्लॉक में क्या हुआ है, खीरों में क्या हुआ है, जो अत्याचार हुआ है उसे समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे ही अत्याचार पूरे उत्तर प्रदेश में हुए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लिखवाए गए, उनका अपहरण किया गया, उन्हें उनके साथ बदसुल्की हुई, उन्हें मारा पीटा गया। हमारी मांग है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। यह ज्ञापन हम राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल महोदया के को देने आए हैं जिलाधिकारी जी के माध्यम से। और भी हमारी मांगे हैं, आज डीजल और पेट्रोल के दाम कहाँ जा रहे हैं, महिलाओं के लिए रसोई गैस कितनी महंगी हो गई है, किसानों का खाद बीज कीटनाशक दवाएं चरम सीमा में पहुँच रही हैं। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के हम आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि राज्यपाल महोदय को हमारी मांगे पहुंचाएं और उत्तर प्रदेश को इस योगी सरकार से निजात दिलाएं। आज आप लोगों ने उप जिलाधिकारी शलोन को ज्ञापन दिया है, क्या मांगे थी, क्या लड़ाई है आप लोगों की? हम लोगों की लड़ाई, जो प्रदेश में जंगल राज कायम है, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, चाहे जो पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए उसमें गुंडागर्दी धांधली की रही हो, किया गया जो भाजपा द्वारा, और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जो है इनको दिया है। प्रमुख मांगे क्या क्या थी? प्रमुख में जैसे मांग हमारी, महंगाई कम की जाए, महिला उत्पीड़न कम किया जाए, कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए और किसानों का उत्पीड़न बंद किया जाए। साथ ही जो ये चुनाव हुए हैं, जो लोकतंत्र को अपने पैरों तले भाजपा कुचल रही है, इसके खिलाफ हम लोगों ने, जैसे आप लोगों की जो मांगे थी अगर पूरी ना हुई तो आप लोगों के द्वारा आगे क्या किया जाएगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो भी निर्देश होगा, आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे पूरे प्रदेश में।